जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रही है। कोटद्वार सीट से बात की जाए तो यहां से डबल इंजन की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। आपको बता दें कि कोटद्वार से भाजपा से टिकट की दावेदारी करने वाले धीरेन्द्र चौहान का जब टिकट कटा तो वो कोटद्वार से निर्दलीय ही मैदान में उतर पड़े और उनके साथ जनता का खासा समर्थन भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि धीरेन्द्र चौहान के चुनावी मैदान में उतरने के बाद कोटद्वार में भाजपा दो टुकड़ों में बढ़ चुकी है। इसी खामियाजे को पूरा करने के लिए कोटद्वार से भाजपा प्रत्याशी रितु खंडूरी के प्रचार में पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह को मैदान में उतारा गया, जिससे कि सैनिकों की वोट को अपने पाले में लिया जा सके। उत्तराखंड के मुद्दे, रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक, और भी होगा बहुत कुछ। देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ सिर्फ।